खबर हल्द्वानी से है, जहां रविवार को प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कालाढूंगी क्रॉसिंग और बरेली रोड के पास अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कालाढूंगी क्रॉसिंग के पास अतिक्रमण ध्वस्त करते समय कुछ लोगों की प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और एसडीएम परितोष वर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान शहर कोतवाल राजेश यादव अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे, जहां प्रशासन से नोकझोंक कर रहे लोगों को समझाया गया कि कल डीएम नैनीताल ने रोडवेज को लेकर सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में यह कार्रवाई की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए कई बिजली के खंभों को स्थानांतरित किया जाना है, इसलिए आज शेष अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे पास कोई भी नोटिस इनके द्वारा नहीं आया गया। वहाँ उत्तराखंड सैनिक मोटर वाहन समिति के नाम से ये अलॉटमेंट है राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और राज्यपाल सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें भूमि आवंटन की गई है। कुमाऊँ कमिश्नर द्वारा भूमि की पैमाइश करके एडीएम अति अपर जिलाधिकारी द्वारा ये नक्शा पास किया गया था पहला। उसके बाद फिर बाद में शहर में आरवीएफ लागू हो गया था 1982 में। तो बाद में आरवीएफ लागू हुआ तो प्रदीप भटनागर तत्कालीन आईएएस ऑफिसर, उनके द्वारा ही हमारी भूमि की पैमाइश करी गई। पीडब्ल्यू के बुलाए गए, तहसील के बुलाए गए, नगर निगम को, नगर पालिका के बुलाए गए, बिजली बोर्ड के पैमाइश करके हमको विधिवत रूप से तुम्हारे नक्शा पास करके अनुदेश स्वीकृति प्रमाण पत्र देकर 10 फुट का सेट बैक छोड़ने के बावजूद हमारा नक्शा पास करके हमको दिया गया। हमने 10 फुट का छोड़ करके हमने 10 फुट और ज़्यादा छोड़ा था। अरे साहब, इन्होंने जो डिवाइडर बनाया, डिवाइडर बाद में बनाया, 2.5 फुट इधर किसका के बनाया डिवाइडर, जब उधर की बिल्डिंग टूटेगी तो ऑटोमेटिक 2.5 फुट उधर को चले जाएगा ये। लेकिन इन लोगों ने हमारा हमको ना समय दिया, इन्होंने जो नोटिस दिया वो दूसरों को दे दिए हैं, हमारे जो और लोग जो नीचे कार्यरत थे, जो तुम्हारे सदस्य और तुम्हारे, उनको जो मेन नोटिस हमको दिया नहीं। हमारे पास नोटिस आया था, हमने ठेकेदार को बुलाया, अपने पूरी पैमाइश ली, पैमाइश देने पर हमने कहा चलो 12 फुट छोड़ देंगे। हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन है, इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लगभग हम लोग हटा चुके थे और 12 मीटर वाइड भी हो गई थी। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इनको लगभग 3 महीने पहले से समय दिया गया था और जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी नए शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में प्रतिभा भाग जो चौड़ीकरण में आया था वो न हटने की वजह से जो नए पोल हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू नहीं हो पा रही थी। तो उनको पर्याप्त समय देने के बाद भी न करने के बाद आज ये कार्रवाई हमने प्रारंभ की है, और 12 मीटर के अंदर जो भी इनका स्ट्रक्चर है उसको आरसीसी कटर के माध्यम से 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण यहाँ पर होना है। और कुछ लोग व्यक्तियों को द्वारा बार बार कहने के बाद भी यहाँ पर चौड़ीकरण का कार्य नहीं किया गया, तो इसी वजह से आज यहाँ पर बाईफोर्स कुछ स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी बिजली की लाइन है इसको चालू करने में भी बाधा आ रही थी। तो इसी को देखते हुए 12 मीटर पर ये बिल्डिंग हटाई जा रही है।